हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कि अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स सेकंड का फर्स्ट यूनिट जो है इंट्रोडक्शन टू एयर कंप्रेशन। इंट्रोडक्शन टू एयर कंप्रेशन बहुत ही बेसिक चैप्टर है जिसमें बेसिक डिफिनेशन आती हैं और एक दो पॉइंट्स हैं, क्लासिफिकेशंस हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल जो कि बहुत ही मेन इसमें है। मैं उसे आपको पूरा डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ और जो डिफिनेशन है क्लासिफिकेशन में आपका उसको ओवरव्यू दे दूंगा। आखिर होती क्या है, एप्लीकेशन कहाँ पे है कंप्रेशर का, वो मैं बता देता हूँ। तो अगर हम इंट्रोडक्शन टू एयर कंप्रेशर की बात करें तो पहला पॉइंट जो हमारे दिमाग में आता है कि कंप्रेशर होती क्या है, कंप्रेशर चीज क्या है, उसका यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, कंप्रेशर होता क्या। पहले ये देखिए, कंप्रेशर एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, किसी भी वर्किंग फ्लूड का टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज कर देता है अगर हम उस पर वर्क करते हैं। मैं आपको अगर डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये हो गया कंप्रेशन, ठीक है। इसका इनिशियल टेम्परेचर है P1 T1। मैं वर्किंग फ्लूड के केस में यहाँ पे एयर का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब ये कंप्रेशर से पास होता है तो उस एयर पे वर्क डन होता है, ठीक है, वर्क डन होता है एयर के ऊपर, जिससे क्या होती है इसकी प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर की वैल्यू से। तो कंप्रेसर एक डिवाइस होती है या इंस्ट्रूमेंट होती है जो क्या करती है, किसी भी वर्किंग फ्लूड का प्रेशर इंक्रीज कर देती है जब उस पर वर्क अप्लाई किया जाता है। क्लियर हो गया कंप्रेशर क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, एयर कंप्रेशर क्या होता है। एयर कंप्रेशर, कंप्रेशर में वर्किंग फ्लूइड की तरह अगर एयर का यूज करते हैं उसे एयर कंप्रेशर बोल देते हैं, डिपेंड करता है हम क्या यूज करते हैं। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है हमारा कंप्रेशर का। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो दो या तीन वे में हुआ है क्लासिफिकेशन। मैं पॉइंट्स लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जो पहला पॉइंट आता है वो है डिजाइन एंड ऑपरेशन। कंप्रेशर है उसका डिजाइन कैसा है और किस लिए ऑपरेट किया जा रहा है। दूसरा चीज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्टेजेस, स्टेज कितने, एक होता है सिंगल और दूसरा होता है मल्टी। ये हम जो पॉइंट्स हैं इसे हम आगे पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन है हमारे लिए आगे चैप्टर्स में धीरे धीरे आएगा सबका डिटेल। डिज़ाइन में जैसे हमारा आता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नॉन पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव जो है फर्दर डिवाइड हुई है रेसिप्रोकेटरी या रोटेटरी में, ये फर्दर हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछता है सिंपली कि क्लासिफिकेशन क्या होती है, मैं उसे सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कितने टाइप्स की होती हैं। तीसरी जो होती है वो आपका है प्रेशर लिमिट। प्रेशर लिमिट की अगर बात करें तो जो लो प्रेशर वाले होते हैं इनका 1.1 होता है, फिर मीडियम होते हैं 1.17 होता है बार का, फिर जो हाई प्रेशर होता है उसका 7 बार से अधिक होता है। फिर जो चौथा आता है वो है आपका कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या है कंप्रेशर, कैपेसिटी की अगर बात करें कंप्रेशर में तो जो स्मॉल साइड कंप्रेशर होता है उसका होता है 300 m³/min, जो उससे ज़्यादा होता है तो उन दोनों के बिटवीन का होता है 300 तक अप्रॉक्स हो गया, उससे थोड़ा अधिक होता है। और मीडियम में जो होता है वो अप्रॉक्सली 300 का होता है, और जो हाई होता है वो 300 से भी ग्रेटर होता है, जो हाई कंप्रेशर्स होते हैं हाई स्पीड वाले। और जिसमें मेन टॉपिक है जो क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ये कैपेसिटी 300 और 300। फिर अब जो मैं बात करना है हमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, जो मेन पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन फैन का, ब्लोअर का एंड कंप्रेशर का, जो फैन का, अब फैन का क्लासिफिकेशन ब्लोअर का कंप्रेशर का कैसे हुआ है, ये ASME के द्वारा किया गया था रिसर्च। ASME एक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है जहाँ पे रिसर्च का काम होता है। उन्होंने इन सब का प्रेशर रेशियो बताया था, फैन का बताया था, ब्लोअर का, जो उन्होंने बताया था फैन का कि इसकी जो प्रेशर रेशियो होती है 1.1 तक होती है, ब्लोअर की क्या होती है 1.1 से
2.5 तक होती है, और कंप्रेसर की 2.5 से बड़ी होती है प्रेशर रेशियो। ठीक है, ये उसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल का कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे कंप्रेशर के केस में, कंप्रेशर का पीवी और टीएच डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लेट अस कंसीडर, ये हमारे पास कंप्रेशर है, ठीक है, ये हो गया कंप्रेशर। मैंने इसमें इनिशियली प्रेशर दिया P1, वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1, ठीक है, और इधर से मैंने वर्क सप्लाई किया, क्योंकि जो लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, वर्किंग फ्लूइड पे हम वर्क डन करते हैं, फ्लूइड होता है वो किसी से भी हो सकता है, मोटर से किया या IC इंजन से किया, किसी से भी किया, वर्क सप्लाई वर्क किया हम लोगों ने फ्लूइड पे। वर्क जब करते हैं तो हीट लिबरेट होता है, तो हीट सराउंडिंग में लिबरेट हो गई, या हीट सराउंडिंग में लिबरेट हो गई कूलिंग से, एयर कूलिंग हो गया या वाटर कूलिंग से हमने इसको ठंडा किया। फिर जो हमें आउटपुट जो मिलता है उसमें क्या होता है, हमें जो टेम्परेचर प्रेशर जो होता है, टेम्परेचर जो होता है ये कंप्रेस्ड एयर हमें मिलती है। ये कुछ एक डायग्राम होगा कंप्रेशर का, ऑफिशियली इस तरीके से कुछ डायग्राम हो गया। कंप्रेशर हो गया, हमने P1 V1 T1 इनिशियली दिया, जब वर्डन हुआ तो उससे हीट जनरेटेड, हीट को एयर से या वाटर से निकाला गया, फिर जो हमें आउटपुट मिला वो P2 V2 और T2 मिला हुआ मिल गया। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊँ PV या TS का, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा। अगर मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं, कुछ इस तरीके से भी ये वॉल्यूम हो गया, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। ये पीवी डायग्राम, ये टू डैश यू टू डैश, ये पीवी डायग्राम बन गया कंप्रेशर का, ठीक है। पीवी डायग्राम किस तरीके से, ये प्रेशर हो गया और ये वॉल्यूम हो गया, ये प्रेशर ये वॉल्यूम का साइड हो गया, ये जो प्रेशर है, ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक के केस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर जीरो होता है, ये हम जानते हैं, मींस हमारा यहाँ पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं। तो अगर हीट ट्रांसफर कम होगा तो इफिशेंसी की वैल्यू जीरो, मतलब इफिशेंसी जो होगी वो कम होगी, सॉरी जीरो नहीं होगी, इफिशेंसी हमें कम मिलेगी किसी भी साइकिल के लिए। तो हम जानते हैं जो वैल्यू होती है हमारी वो कुछ इस तरीके होती है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, या पीवी की पावर एन इज इक्वल टू सी, या पीवी की पावर वन इज इक्वल टू सी। वन हम हमेशा आइसोथर्मल के केस में यूज़ करते हैं, एन जो होता है वो पॉलीट्रॉपिक के होता है, और ये जो होता है एडियाबेटिक। इसमें जो गामा की वैल्यू 1.25 होती है, एन के केस में नहीं इससे बड़ी होती है, सॉरी इनकी इसकी गामा की वैल्यू होती है 1.25 होती है, इसके केस में 1.25 बराबर है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो एन की गामा की ये सबकी वैल्यू वैरी कर रही है। वर्ल्ड कप केस में एयर एयर का अगर ये एयर के केस में मैं ले रहा हूँ, एयर के केस में 1.25 से बड़ी होती है गामा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1.25 बराबर होती है, 1 होती है एन की वैल्यू। ये पीवी डायग्राम होते हैं, ठीक
ठीक है, तो ये हमारा वर्क डन है, ये आउटपुट ओवर इनपुट हम इधर ही से निकालेंगे। अगर हमें इंक्रीज करना होगा इफिशेंसी किसी भी कंप्रेसर का, तो उसमें हमें जो वर्क इनपुट देते हैं उन्हें कम करना होगा, मतलब हमें ये जितना हम कम करेंगे उतना हमारा वर्क इफिशेंसी जो है वो बढ़ जाएगी, किसी भी चीज़ की इफिशेंसी जो है हमारी बढ़ जाएगी। टीएस डायग्राम, ये पीवी डायग्राम हमें एफिशिएंसी के बारे में बता देता है, लेकिन टीएस डायग्राम के हेल्प से हम जो है हीट लेप रेट कितना हो रहा है वो निकाल सकते हैं। हीट लेप रेट हम टीएस डायग्राम से निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप से बना। ये जो है ये इतना अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हो रहा है, ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सी, यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम ठीक है। तो हमें जो इस केस में वर्क डन मिला था यहाँ पी वन वन टू और पी टू मिला था, यहाँ पे हीट मिल गया हमें, तो टीएस डायग्राम से हम हीट निकाल सकते हैं कितना लिबरेट हुआ। और हमें टोटल वर्क अगर निकालना होगा इस पूरी केस में, तो वर्क जो है हम इस साइकिल से निकाल सकते हैं, जो वर्क डन होगा हमारा इस पूरे साइकिल का ए कह लो बी कह लो टू, तो वर्क डन जो है यहाँ पे माइनस वी ऑफ डी पी, तो ये वर्क डन जो है पूरा एरिया के बराबर होगी, तो एरिया का इतना है ए वन टू और बी ठीक है। तो हमने वर्क डन निकाल लिया इस केस में ठीक है। वर्क जो होती है मिनिमम होती है, एक बात और याद रखो, ये जो होता है हम इसकी वैल्यू मैंने कहा था ना, अगर इसको कम करते जाएंगे तो हमें एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो अगर हमें अगर हम वर्क कम करेंगे वर्क इनपुट मतलब आइसोथर्मल के केस में हमें अगर हम इतना वर्क लेते हैं तो हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी, कम करते चलेंगे, पहले ये कम किया फिर ये एरिया फिर ये कम किया, इसे हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो ये हमारा फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में बताया। ये जो मेन चीज़ है याद रखना आपको, पीवी और टीएस डायग्राम, टीएस पीआर और पीवी डायग्राम बहुत अच्छे से याद रखना है। टीएस डायग्राम हमें हीट लिबरेटर के बारे में बताता है कितना हीट लिबरेट हुआ, और पीवी डायग्राम वर्क के बारे में बताता है कितना वर्क हमारा हुआ या कितना वर्क हमें मिला, वर्क हमने कितना किया इसमें, अलग अलग एडिबैटिक हो गया, पॉलीट्रॉपिक हो गया या आइसोथर्मल हो गया, हर अलग अलग केस में ये हमने वर्क डन निकाली, ये जो टोटल वर्क डन है इस एरिया के बराबर होगा ठीक है। और इफिशेंसी जो होती है वो होती है आपकी, इफिशेंसी जो होती है वो होती है आपका आउटपुट वर्क ओवर इनपुट वर्क, मतलब कि इनपुट की वैल्यू जितनी कम होगी हमें एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा, अगर कंप्रेशर की एफिशिएंसी बढ़ानी होगी तो हम ये इनपुट वर्क को कम करते, इस एरिया को मैं हटा, इसको कम कैसे करेंगे वो मैं आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा, जब हमारा कंप्रेशर आएगा जिसमें सिंगल स्टेज मल्टी स्टेज, तो फर्दर हम वहाँ उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कम होता है, हम एरिया को कैसे कम करते जाएंगे और हमारा कैसे होगा। सो स्टे कनेक्ट विद अस, सब्सक्राइब टू मैकेनिकल लेक्चर्स, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक, तो आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी, सब्सक्राइब जरूर करें मैकेनिकल लेक्चर फॉर मोर वीडियोस ऑन मैकेनिकल।